ओके वालों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं चीप वर्सेस एक्सपेंसिव फूड चैलेंज। इसके अंदर होने क्या वाला है मैं आपको दिखाऊंगा। आज हम लोग खाएंगे एक ही आइटम, लेकिन एक होगी थोड़ी सस्ती वाली और एक होगी थोड़ी सी महंगी, मतलब थोड़ी सी नहीं, एक होगी सबसे ज्यादा महंगी जो हो सकती है उस चीज में, और एक होगी थोड़ी सस्ती वाली। ठीक है, इसकी तरह ये सस्ता है और मैं रियल वो तो अभी पता चली जाएगा। और हम लोगों को क्या करना है, टेस्ट करके बताना है कि चीप वाली जो आइटम है जो सस्ती है वो अच्छी है, या फिर जो महंगी वाली आइटम है वो अच्छी है। तो काफी ज्यादा मजा आएगा इस वीडियो के अंदर। चीप ही अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज No, sorry, महंगी अच्छी उनकी, उसमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी वीडियो के अंदर। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके वालों, यहाँ पर फर्स्ट आइटम आ चुकी है जो कि है फ्राइड मोमोज, और इनका प्राइस है ₹30 की एक प्लेट मिलती है। और अभी हम लोग ये ट्राई करने वाले हैं। इससे भाई इसकी चटनी कितनी अच्छी है, चटनी तो काफी अच्छी लग रही है, ट्राई करते हैं। उससे पहले रुक जा भाई, कितना भूखड़ बंदा है यार ये। गाइस वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग, इस वीडियो को लाइक टारगेट कितना रखते हैं, 1,00,000 लाइक, सब लोग लाइक कर देना, इसके क्या ही बोलेगा यार। गाइस मैं बोलता हूँ 1,00,000 लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलो अब खा सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, सच बता रहा हूं। चलो दोनों को ट्राई। मुझे तो भूख लग रही है, तो मुझे तो वैसे भी अच्छा ही लग रहा है। सेम है। अच्छा है ना टेस्ट, वैसे बुरा नहीं है। चटनी ने टेस्ट और ज्यादा बढ़ा दिया है ना, चटनी काफी अच्छी है। थोड़ी सी मिर्ची वाली चटनी होती तो ज्यादा अच्छा होता, एंड थोड़ी मीठी मीठी सी चटनी है। खा के साफ पता चल रहा है कि ये परसों के बने हुए और आज फ्राई हुए, बिकॉज या फिर परसों के फ्राई हुए और आज दे रखा है गर्म कर गए। बिकॉज साफ साफ इसका एक टेक्सचर बहुत लाइक वो टाइप का, मेरे को तो भाई नहीं भुखड़ है, मरियल भुखड़ है तू, तेरे को ऐसे लग रहा। ओके गाइस, तो गाइस वो सिंपल भाषा होती है। बाय, पीस बचा है मेरा। ओके भालोग, अब आ चुके हैं यहाँ पर एक्सपेंसिव वाले मोमोज। यहाँ पर आप लोग पैकिंग से ही देख सकते हो, वो नॉर्मल से पैकेट के अंदर आए हुए थे, और इसमें देखो भाई चम्मचे भी दिए भाई, बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बस फोक है, चम्मच है पूरी एकदम, और चटनी के लिए भी इन लोगों ने भाई बढ़िया से एकदम ना बना के दिया है। तो अभी इसको हम लोग ट्राई करने वाले हैं। ये एक्सपेंसिव मतलब देख पैसे वाले लग रहे हैं कि हाँ यार थोड़ा एक्सपेंसिव से है। एंड अब मैं इसको खोलता हूँ फटाफट से। कितना है इसका प्राइस, कितना भाई प्राइस जितना भी है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा ही है जितना मेरे को लगा। क्योंकि हाँ वो कितने गुना ज्यादा, 30 रुपए के थे ये, शायद 400 या 500 रुपए की एक प्लेट है, 400-500 की प्लेट है, उसमें डिलीवरी चार्जेस भी लगे हैं जोमेटो के। चलो भाई साहब ट्राई करते हैं एंड देखते हैं ये कैसा है। अब भाई उससे अच्छा ही हो ये, क्योंकि प्राइस भी ज्यादा है ना। चलो भाई बड़ी भी तो देखो कितने कितने भाई, भाई बहुत ज्यादा साइज इनका अलग ही। ओ भाई कितने बड़े बड़े मोमोज है भाई ये, अरे भाई ज्यादा ही बड़े भाई, अरे एक चकले ना भाई, साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है। चलो कितने बड़े हैं, मैं ट्राई करता हूँ और देखता हूँ ये, पर सच से बताऊँ देख के इतने अच्छे लग नहीं रहे मेरे को। ओके भाई लोग, मोमोज खा लिए, दोनों के दोनों ट्राई कर लिए, इसका टेस्ट तेरे को कैसा लगा? ये चिकन मोमोज थे। As a vegetarian guy, I really didn't like this. हमें ढंग से बोल ले हिंदी में। भाई क्या था ये, लाइक 500-400 रुपए, अच्छा नहीं था। पैकिंग बहुत अच्छी थी, पैकिंग अच्छी थी, सब कुछ था, बट दिखने में गंदे, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, और बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बड़े हैं, थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और कुछ साइज कुछ ना ज्यादा ही है, कुछ बहुत बड़ा साइज है। चिकन का मसाला जल जो भी डाला है वो लाइक एक पूरा पीस की तरह है। हाँ बहुत अजीब ऐसा, जिससे सिंपल मेरे हिसाब से तो भाई चीप वाले जो मतलब सस्ते वाले थे ना, जो 30 रुपए की प्लेट थी वो मेरे को अच्छी लगी। 30 वाली प्लेट में लाइक ऐसा होता है कि वो थोड़ा लाइक सस्ता था। हाँ, और लाइक थोड़ा मतलब खा के पता चलता है कि सस्ता है। तेरा भी चीप वाला वही सस्ते वाला है ना, तो गाइस इसमें विनर है 30 रुपए और 300 या 400 रुपए में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो गाइस मेरे को, मैं भी उसी को दूंगा, तो इसमें फर्स्ट राउंड में जीता है सस्ते वाला, सस्ते वाला इजीली। ओके गाइस, यहाँ पर आ चुकी है हमारी नेक्स्ट आइटम जो कि है एक बर्गर। अब ये जो बर्गर आप लोग देख रहे हो ये है 20-30 रुपए का, और ये बर्गर देख रहे हो ये है 100-150 रुपए का, मतलब 150 रुपए का ये कुछ बर्गर है। लेटेस्ट लुक भी डली है, और वैसे देख के ही पता चल रहा है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसका बन भी देखो थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, उसके अंदर थोड़ा ब्राउन ब्राउन चला है, इसके अंदर कुछ अच्छे से टिक्की विक्की डली हुई है, और इसमें थोड़ा सा ना मतलब मैं ऊपर करके देख लूं, नहीं हाँ देख सकता है वैसे। ओके भाई इसके अंदर प्रॉपर एकदम लेटेस्ट डली, और मेरे वाले में देख ही सकते हो, मेरे वाले में कुछ भी नहीं डाला। मैं सच बताऊं मेरे को वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर चलो ट्राई करते हैं, तो गाइस ट्राई करते हैं, मैं सस्ते वाला ट्राई करने वाला हूं, सनी महंगे वाला, और हम पॉइंट देंगे उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कि कौन सा बढ़िया है। ओके भालू, मैंने ट्राई किया सस्ते वाला, सनी ने महंगे वाला, अब तू बता 10 में से कितने पॉइंट देगा? मैं सच बताऊं मैंने जितने बर्गर्स ट्राई किया आज तक, हां उसके हिसाब से इसका रेट कितना, रेट कितना इसका, रेट कितना, रेट 100-150 रुपए होगा, 100-150 रुपए इसका। हां हां जल्दी बता क्या है। 6 देगा 10 में रेट, पैसे को देख के और इसकी लाइक
टेस्ट देख के सिंपल सा चलता हूँ, मेरे को 30 रुपए वाला बर्गर लग रहा है। और भाई ये मैंने खाया, मेरे को ये 10 में से मैं इसको मतलब 5-6 ही दूंगा मैं भी, उतना भी बहुत कुछ खास नहीं है पर ठीक है मतलब 5-6। मतलब इसका रेट कितना है? इसका 30-40 होगा। 30-40 हाँ तब तो ठीक है, वैसे ठीक है, मेरे को भी ये सेम ही लग रहा है 30-40 वाले बर्गर। इसको थोड़ा सा एक पॉइंट ज्यादा मिला है, मैं इसको 5 दूंगा और इसको 6। तो गाइस इसमें विनर बनता है 1 पॉइंट से ये महंगे वाला बर्गर, और सस्ते वाला बर्गर थोड़ा सा हार गया। ठीक ठाक था टेस्ट, पता नहीं है मेरे को तो, मैं 5 दे रहा हूँ, ये 6 दे रहा है। चलो ओके वालों, यहाँ पर हमारी आ चुकी है थर्ड आइटम जो की है चिप्स। ये भी चिप्स है, ये भी चिप्स है, लेकिन फर्क इतना है ये 10 रुपए का चिप्स है और ये 110 रुपए का। कितने का आता है? 115 रुपए का, 115 रुपए का चिप्स है ये भाई, अमेरिकन कंपनियां बहुत। और ये है हल्दीराम्स का 10 रुपए का चिप्स, मतलब ये मतलब 105 रुपए ज्यादा है इससे इसका रेट। तो देखते हैं गाइस इसमें ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है, जो उसमें पहले चिप ट्राई करते हैं, पहले सस्ते वाला ट्राई करते हैं। ये 10 रुपए का चिप्स है, ये मैंने बहुत खाया तो इससे मैं रिलेट कर सकता हूँ। स्कूल में भाई यही मिलता था तो मेरे को लगता है इससे मैं ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ, बट महंगे में टेस्ट ज्यादा हो सकता है, कुछ नहीं पता। चलो ट्राई करते हैं। और इसमें क्वालिटी आप लोग देख ही लो, पैकेट कुछ इस तरीके का है, चिप्स कुछ इस तरीके का दिखता है, टूटा फूटा। टेस्ट चेंज हो गया भाई, मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसका टेस्ट। ओके गाइस अब ट्राई करते हैं ये 115 वाला चिप्स। ये है पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, बॉक्स एकदम स्ट्रॉन्ग है भाई, और ये हटा देते इसको, आवाज आई भाई ठपकी से, ये निकाला एंड भाई चिप्स इसके अंदर टूटा हुआ नहीं है, एकदम परफेक्ट साइज में। तभी इन लोगों ने इस तरीके से बॉक्स बनाया होता है ताकि चिप्स टूटे ना, और बहुत सारे चिप्स इसके अंदर देख ही सकते हो आप लोग, अगर आपको दिख रहे होंगे। अभी इसको हम लोग ट्राई करेंगे, ये ले भाई। पर 115 रुपए बहुत बहुत ज्यादा है भाई। सिंपल सा है, कुछ मसाला वसाला भी नहीं डाला हुआ है। आलू की क्वालिटी काफी अच्छी है भाई, हम इंडियंस को ना मसाले वाला पसंद होता है, मसाला एकदम कूट कूट के भरा हो, नमकीन सा हो, एकदम मसाला वसाला जैसे इसमें इसमें था। बट लेज वेज और बाकी जो चिप्स होते हैं ना इंडियन ब्रांड जो, उसमें बहुत मसाला वसाला होता है, वो अच्छा लगता है। लेकिन ये यार नॉर्मल सा लग रहा है बहुत, सच बता रहा हूँ। इसमें ना देख, आपको देख के पता चलोगा इसमें सिर्फ सॉल्ट सॉल्ट सा यूज हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन मसाला इसमें बिल्कुल भी नहीं है भाई। हो सकता है शायद ये कुछ हेल्थ के लिए बढ़िया हो, पता नहीं क्या है मेरे को, बट कोई भी चिप्स हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं होता। तो 115 रुपए मेरे को तो नहीं लगता भाई। फर्स्ट वाले की रेटिंग दी जाए, फर्स्ट वाले को मैं दूंगा 5-6, सेकंड इसको मैं दूंगा 3-4 रेट के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही कम है यार। अब मैं बताता हूँ, फर्स्ट एक प्रोफेशनल फूडर के हिसाब से, मैं एक टाइम पे बहुत अच्छा फूडर था, मेरे हिसाब से जो पहला वाला चिप्स है जो सस्ता है 10 रुपए का, इसका जो फ्लेवर है ये उसके तरह क्या बोलते हैं वो गोलियां होती है ना, क्या बोलते हैं उसे हाजमोला, उसकी तरह थोड़ा, और इसका फ्लेवर पूरा मिला के कुरकुरे होते हैं ना जो बिल्कुल ऑरेंज वाले कुरकुरे, उनकी तरह ध्यान से खा है ना। मेरे हिसाब से ये भी ना जो सेकंड वाला है, इसको खाने में आपको इतना मजा नहीं आएगा, पर जब ये मतलब जैसे चिप्स खत्म हो जाते हैं तो काफी अच्छा स्वाद रह जाता है मुंह में। मेरे हिसाब से ये भी प्लेन सा काफी अच्छा स्वाद, तेरे हिसाब से इसको मिलेगा मेरी तरफ से 7 एंड इसको मिलेगा मेरी तरफ से 7, दोनों को ड्रॉ। इसका फ्लेवर अच्छा है और मेरे को बट इसका रेट बहुत ज्यादा है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना चाहिए आप लोगों को कौन सा बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की, मैं मुक्का मारूंगा। इसका फ्लेवर ठीक ठाक है और हंसता है बहुत ज्यादा। ओके भाई लोग, नेक्स्ट आइटम यहाँ पर आ चुकी है जो कि है एक 10 रुपए की फ्रूटी टाइप एपी, इसको एपी बोलते हैं, 10 रुपए की। एंड ये है एक एनर्जी ड्रिंक जो कि है 500 से लेकर 600 रुपए का, कहीं पर 500 का मिलता है, कहीं पर 600 का मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा महंगा कैन है भाई, बहुत ही खतरनाक वाला भाई, इसे ध्यान से रखो भाई, कहीं कुछ चोट वोट ना लग जाए भाई। 500-600 रुपए का कैन भाई एक, ओ भाई ठीक है ठीक है चलो। और ये 10 रुपए की एपी, अब हम दोनों को ट्राई करने वाले एंड देखते हैं कि इसका टेस्ट बढ़िया है या फिर इसका टेस्ट, क्योंकि ये सिर्फ 10 रुपए की और ये 600 रुपए की, 600 भाई बहुत ज्यादा होते हैं भाई। ये देखो भाई डालने का स्टाइल देखो भाई इसकी, इसको बोलते हैं असली टेक्निक भाई, ये कैसे निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, खतरनाक तरीके। और इसका कलर भी कैसा है भाई, इसका शराब जैसा कलर है। ओके यहाँ सनी के लिए भी डाल देते हैं। ओके भाई ज्यादा ही नहीं डाल रहा कुछ तू यार चलो वैसे भी टेस्ट करना है, चलो ओके टेस्ट करना है वैसे भी, अरे पीने के लिए थोड़ी है, टेस्ट करना है भाई। ओके गाइस लाइक कर देना वीडियो को। भाई ऐसे क्यों कर रहा है, एकदम नॉर्मल था भाई, एक्टिंग देख लो भाई इसकी। नहीं नहीं सच में मजाक नहीं, सच बोलो। चलो पी लूं तो नहीं, पी ले एज एक्सपर्ट मुझे ज्यादा अच्छे से
फ्लेवर की जान है, बस बस रख दे रख दे। अब ट्राई करते हैं, ये 600 रुपए का कैन, कैन काफी बड़ा सा है और कलरफुल भी है काफी ज्यादा और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कितना अच्छा है पकड़ के। हाँ, इस चीज को तो आप बैकग्राउंड में लेके उसकी तरह रख सकते हो, पकड़ के भी ऐसा लग रहा है मजबूत। जो पेप्सी है उसके कैन होते हैं ना, वो थोड़े से ऐसे होते हैं, ये पतले पकड़ के इसमें, और ना इसके उसमें टेक्सचर भी है इसकी, है ना, टेक्सचर है। पकड़ के देखिए इसको एक बार, पकड़ लिया भाई, तेरे ज्यादा पिए मैंने, ये मैंने तुझसे ज्यादा पिए, मैंने तुझसे ज्यादा पिए। ट्राई करते हैं, ओके खुल चुका है गाइस, कैन स्मेल रहा है, ओह स्मेल इसकी अच्छी है, काफी अच्छी, और इसमें ना बहुत सारे अलग-अलग फ्लेवर्स भी आते हैं, तो अभी ट्राई करते हैं। कितना प्यारा कलर इसका, कलर काफी प्यारा है, इसको भी डालते हैं इस तरीके से कुछ, अपने लिए ज्यादा डाल रहे हैं साले। चलो गाइस ट्राई करते हैं अभी इसको, बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती है। ये है भाई कुछ स्ट्रॉन्ग सा, ये है कुछ एनर्जी, मतलब लग रहा है कुछ पिया एकदम से, कुछ अंदर गया है ना। मैं तो मर दूं भाई, मेरे को तो कुछ लग नहीं रहा है। हाँ हैप्पी, मैं तो इसकी फट गई थी भाई, और इसमें हो रहा है। इसकी गाइस आप लोग एक सिप से ज्यादा एक बार में नहीं पी सकते, कुछ ना जलन जलन सी हो रही है अंदर। अच्छा मत कर भाई, मत कर मत कर, अपने आप को मर्द दिखाने के चक्कर में ही ऐसी हरकतें करता रहता है। सच बताऊं तो गाइस ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, शांत जैसे रेटिंग। हाँ इसको मैं दूंगा 10 रुपए का है तो ठीक है, टेस्ट अच्छा है। नहीं टेस्ट वाइज, अब टेस्ट वाइज करता है, रुपीज वाइज नहीं, सिर्फ टेस्ट वाइज। टेस्ट वाइज 7 और इसको दूंगा मैं 10 क्योंकि टेस्ट है सच में अच्छा है भाई। Now the professional opinion, सबसे पहले ये एपी है, इट्स अ फिजी एपी, लाइक ये इसमें फ्लेवर है, ठीक है, ये सेम से नहीं बना, ठीक है। सबसे बताऊं इसका स्वाद अच्छा है बट इतना भी अच्छा नहीं, जब इसको पीते ना एकदम से इसको आप जब स्टार्टिंग में पियोगे पहली सी पॉइंट दे जल्दी साफ लगता है कि ये मेडिसिन जैसा, जो मेडिसिन होती है ना गले वाली, हाँ। उसके जैसा फ्लेवर है इसका थोड़ा सा, पर जब पीना स्टार्ट करते हो तो अरे पॉइंट दे यार जल्दी से भाई, इसमें कैफीन अच्छा लगा डाला भाई, एनर्जी के लिए काफी अच्छा है। 7 तो इसको कितने दिया तूने? 6-7 तो गाइस क्लियरली बता रहा है ये 600 रुपए का कैन, लेकिन मुझे जितना लगता है मैं सच बता रहा हूँ 600 रुपए लायक भी नहीं है भाई ये, मतलब 600 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं भाई। शांत मेरे को बताया गाइस ये है 600, इसके अंदर गाइस बहुत सारी चीजें डली है, फिर भी गाइस 600 रुपए में यार आप मतलब बहुत कुछ ला सकते हो ड्रिंक करने और पीने के लिए यार। 600 रुपए में तो भाई संतरी आ जाएगी एक, साथ में अलग छोटा वाला क्या बोलते हैं उसको, 600 रुपए बहुत ज्यादा इसके लिए, बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो भाई वो भी आ जाएगा क्या बोलते हैं चकना, चकना भी आ जाएगा, बहुत कुछ आ सकता है, तो गाइस ये बहुत एक्सपेंसिव है। ओके गाइस आ चुकी है हमारी नेक्स्ट आइटम जो की है चॉकलेट, और ये है 5 रुपए की, और ये है 200 रुपए का डब्बा, 200 रुपए और 200 रुपए में। एक और रूल, एक रूल बता देता हूँ मैं, अब से हम मतलब प्राइस पे नहीं बेस पॉइंट देंगे, ठीक है, सिर्फ टेस्ट पे, सिर्फ टेस्ट ओनली टेस्ट चलेगा चलेगा चलेगा। चलो 5 रुपए में आपको इतनी अच्छी है भाई बड़ी चॉकलेट मिलती है। टेस्ट भी काफी अच्छा है यार, हो गया बढ़ते इसकी तरफ, देखते इसके अंदर क्या है। ये क्या है? ओ भाई सेम ये तो, इसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स है। चलो ट्राई करते हैं ये कैसी है भाई, वो डेयरी मिल्क है पूरी है। हाँ तो ट्राई करना पड़ेगा ना, वो बहुत थी ये डेयरी मिल्क है कैडबरी, ट्राई करते हैं। काफी बढ़िया, जल्दी जल्दी बता बहुत क्या पी है फर्स्ट। ओके बोल गाइस, वो वाली पर्क जो थी वो अच्छी थी, लेकिन इसमें ना मतलब एक अलग ही टेस्ट है, लगता है कि हाँ भाई चॉकलेट खाई है। तू बता जल्दी से, जल्दी बता जल्दी बता कौन सी अच्छी लगी। इसका फ्लेवर हाँ। लेकिन ना भाई डेयरी मिल्क पूरे डेयरी मिल्क सिंपल प्लेन डेयरी मिल्क, बट लगता है इसको खा के यहां भाई खाने स्टार्टिंग में खा के इतना अच्छा लगता है, जब खा चबा रहे हो तो इतना अच्छा लगता है, जब खा लेते ना जो मुंह में स्वाद रह जाता है वो अच्छा लगता है, ठीक है। पर्क में वो नहीं है, पर्क में सस्ता सा लगता है भाई, जो ये है सस्ता है बट इसका स्वाद भी अच्छा है भाई, मानना पड़ेगा। वेफर है इसके अंदर कौन सी था ये बताओ, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ब्रो, जल्दी यू टेल फर्स्ट। मैंने तो बोल दिया भाई ये अच्छी लगी मेरे को, ये इसको दे, अच्छा लगता है।
अगर मेरे को लॉन्ग टाइम का देखो तो मैं वेफर खाऊंगा भाई ज्यादा, ये क्या पंच पंच पंच। तो इस हिसाब से पर ग्राम मेरी परफेक्ट पर कैडबरी मिल्क है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन से ज्यादा अच्छे लगते हैं। ओके गाइस, अब है सबसे क्रेजी चीज भाई, मैं अब आपको बताता हूँ। ये है हमारी 1 रुपए की सेंटर फ्रेश, ठीक है, ₹1 में मिलती है। और जो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हो, हाँ, इसका प्राइस है ₹200। ₹200 की च्युइंग गम है ये। यस, ₹200 की च्युइंग गम है ये। और मैं इसको ₹20 का समझ के 3-4 चख लेता था। ये ₹200 की च्युइंग गम है और ये सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए की, मतलब वन नाइट, मतलब इसमें 200 च्युइंग गम आ जाएगी। 200 इसके, उसमें 200 ऐसी हमारे पास 10 पड़ी हुई है, इतनी सारी देख लो, 10 है ये, 200 आ जाएगी, एक महीने तक चल जाएगी। अगर डेली भी ऐसे नहीं, अगर डेली भी खाए तो 30 एक साल चल जाएगी भाई। निकाल देंगे भाई, कम से कम 3-4 महीने निकल जाएंगे भाई इसमें। और ये देख सकते हो आप लोग, तो चलो पहले ना 1-1 रुपए वाली ट्राई करते हैं, ठीक है। ये तो हमने बचपन से ही खाई है तो इसका टेस्ट याद है फ्रेश भाई। 200 रुपए की ट्राई करनी पड़ेगी, इसमें ऐसा क्या है। मैंने खाई भी है ये, बट और कैसे, इंडियन ब्रांड नहीं है, बाहर से आती है जितना मुझे पता है, ठीक है। ये सेंटर फ्रेश भी इंडियन ब्रांड की इंडिया में बनती है, तो बनता है सबको ही इंडिया में। ओके गाइस, इसका टेस्ट तो आपको पता ही होगा, आपने सबने खाई होगी वाली सेंटर फ्रेश। ओके सेंटर फ्रेश हम लोगों ने खा लिया, टेस्ट पहले से भी पता था हम लोगों को, तो अब ये खाते ही इसको खाना है। मुझे लगता है हमको पानी पी लेना चाहिए ताकि हमको हमारे फ्लेवर चले जाए, हट जाए मुझसे, है ना। बोल तो सही है भाई, ओके गाइस अब ट्राई करते हैं ये 200 रुपए वाली च्युइंग गम, इसमें ऐसा क्या है भाई, देखता हूँ जरा मैं। भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, दे मुझे दे। कैसे खुलेगी भाई? ऐसे नहीं भाई, इधर से खोलना पड़ता है इसको। कहाँ का ये देखिए, ये दिख रहा है इसका? अच्छा, ये ठीक है ठीक है, समझ। इसको इधर से कर, रैप कर। हाँ, अब दूसरी साइड से भी कर भाई, खोलने का भी तरीका कुछ खतरनाक है। चलो अब दूसरी साइड से भी कर ले भाई। हाँ, इस साइड से भी होगा गाइस, खोलने का थोड़ा तरीका जो है यूनिक है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके से खुलता है, एंड इसके अंदर काफी सारी, मतलब थोड़ी सी च्युइंग गम नहीं होती, काफी सारी रोल है ये पूरा, ठीक है, रोल है। बट मेन हम लोग को देखना है कि टेस्ट इसका कैसा है। यहाँ पर इन लोगों ने ना, जैसे एक पहले आती थी ना टेप, स्वेलो टेप, उसमें होता था, और यहाँ से हम इसको तोड़ सकते हैं ये कुछ इस तरीके से। और ये ले भाई तेरा पीस, अब मैं अपना पीस निकालता हूँ, अपने लिए निकालता हूँ। एंड काफी अच्छा देख रहा, टेक्सचर इसका काफी अच्छा है भाई, ट्राई करते हैं कैसा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई, मतलब टेस्ट थोड़ा सा लग रहा है अच्छा, बट अजीब सा लग रहा है मेरे को तो। गाइस रेटिंग 10 में से 5, 10 में से 10, क्योंकि ये इंडियन ब्रांड ना पक्का, मेरे को पता नहीं है भाई ये इंडियन ब्रांड है क्या, देख के बताओ। तो गाइस गूगल बाबा से पता चला है कि सेंटर फ्रेश जो इंडियन ब्रांड नहीं है, इटालियन ब्रांड है, लेकिन ये इंडिया में ना बहुत टाइम से चल रहा है और इंडिया में ही चलता है, बहुत बढ़िया वाला है, खतरनाक वाला। तो मेरे हिसाब से तो ना सेंटर फ्रेश ज्यादा लगा, क्योंकि यार 200 रुपए की ये च्युइंग गम है, ठीक है, वैसे इसमें काफी सारी है वैसे तो च्युइंग गम, तो बट फिर भी यार ये फ्लेवर वाइज वही अच्छा लगा मेरे को। तो मैं अपनी इसका फ्लेवर तो खत्म भी हो गया, बात करते करते भी 1 मिनट भी नहीं हुआ फ्लेवर। मैं आपको बताता हूँ असली चीज, हाँ, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाँ, पर बहुत मीठा है, लाइक लिटरली ये बहुत मीठा है, तेरे को भी मानना पड़ेगा। इसके अंदर जो अच्छा भी है वो होता है, वो बहुत मीठा है और ज्यादा ही लेकर नॉर्मल सा है गाइस। ये इसका फ्लेवर स्मूथ है, इसका टेक्सचर स्मूथ है, इसको खाने के जब हम खा रहे ना तो स्मूथ है। अगर आप सेंटर फ्रेश खाओगे 5 मिनट के बाद तो कड़वा सा हो जाएगा, गंदा सा हो जाएगा भाई। चलो कोई ना, मेरे हिसाब से तो गाइस सेंटर फ्रेश, तेरे हिसाब से ये भाई इजी। चलो आप लोग भी कमेंट करके बताना कौन सा अच्छा है। ओके 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 गाइस, अब आ चुकी है हमारी आज की लास्ट आइटम, जो की है बिस्किट पतंजलि। ये है गाइस पतंजलि का 10 रुपए का बिस्कुट। 10 रुपए का ये? ये है कितने का भाई? ये 160 रुपए का पैकेट है ये बोवन बिस्कुट पार्ले का। वैसे इसका ब्लैक कलते 10 रुपए का पैकेट ही आता है इसका भाई, हम बस टेस्ट पे चेक करने वाले, टेस्ट पे चेक करने वाले हैं, तो देखते हैं गाइस टेस्ट किसका ज्यादा बढ़िया। चलो पहले इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं गाइस ये बिस्किट कैसा है। चलो 1, 2, 3 ये खुल गया, लेबल था वेल, ओ मिल्क स्मेल सी है। चलो बढ़िया, एक नंबर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आई हैव ओपिनियन वो बाद में बता। ओके अब इसके अंदर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। ओके गाइस अब ट्राई करते हैं ये वाले बिस्किट एंड देखते हैं इसमें क्या है। तो कोई टेक्निक नहीं बता क्या भाई? फर्स्ट लिक, नाइस,
देन अटैच। इसमें क्रीम भी है भाई और चीनी चीनी सी भी लगाई हुई है ऊपर इन लोगों ने। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ये जीत गया। तेरे हिसाब से ओपिनियन करो। बोल भाई। गाइस इस वीडियो को ना पहले ये टेस्ट ठीक ठाक है। हाँ। चीनी बहुत गलत लगाई इसमें, बहुत ज्यादा मीठा है, लिटरली बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है ये, बहुत ही ज्यादा मीठा। अगर आप जो आप लोग ज्यादा शुगर नहीं खाते हो तो ये बेकार है भाई आपके लिए, खाना भी नहीं चाहिए, बेकार है। ठीक है मैं पहले बताऊं, इसमें शुगर लाइक जहर है, शुगर जहर है, जहर है, नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा शुगर है, चीनी भी नहीं तो है, क्रीम भी इसमें चॉकलेट वाली है तो बहुत ही ज्यादा शुगर है। आई डोंट नो पतंजलि हेल्दी होता है कि नहीं होता ज्यादा, क्योंकि बोलते हो तो बहुत हेल्दी से, बट सबसे बताऊं इसका फ्लेवर पता है कैसे लग रहा है कि जस्ट जो पार्ले जी है ना, पार्ले जी को स्मैश करके इसको बना दिया, लाइक पार्ले जी की कॉफी लग रही है। पूरा नहीं पॉपी नहीं, पूरा फार लीजिए भाई, लिटरली। बट ठीक है गाइस, मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को ज्यादा शुगर पसंद नहीं, अगर इसमें तो बहुत ज्यादा शुगर होगी, मतलब इसमें होगी, मतलब मान लो 10% तो इसमें 200% शुगर होगी, इसमें शुगर बहुत ज्यादा है। बट बिस्किट दोनों अच्छे, तो अगर भाई वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हाथ जल्दी बता, ये जीता भाई। चलो इसकी सबसे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो हम लोग नेक्स्ट वीडियो किस चैलेंज पे बनाए, तो आप लोग कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दोनों को यहाँ पर आईडी आ रही होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।